वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी टाइम बज चुके थे 11:30 बजे का टाइम था, तो मॉर्निंग में मैं उठ चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। कभी जल्दी उठती हूँ, कभी देर से उठती हूँ, हर किसी का अपना अपना टाइम टेबल बना हुआ। तो यहाँ पर उठ चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ते का टाइम हो चुका था। तो फिर सुबह वाला टाइम तो इतना जल्दी जल्दी वाला होता है, तो फिर यहाँ पर रात को हमने कढ़ाई बनाई थी, कढ़ाई भी रख दी थी। मैंने कहा चलो यार अब कढ़ाई भी काम आ जाएगी नाश्ते में, और दूध भी रखा हुआ था, आम भी कट कर लिए थे। आम इतने ज़्यादा मीठे हैं और खट्टे आम तो किसी को भी नहीं पसंद होते, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज वाले जो आम थे बहुत ज़्यादा मीठे थे। और फिर वहाँ पर पराठे भी बनाने की तैयारी मैंने कर दी थी, आटा वाटा मैंने गूंद लिया था। मैंने कहा अब जल्दी जल्दी करके पराठे बनाती हूँ, तो फिर यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी, और वहाँ पर मेरी सिस्टर चाय भी रख देगी। और ये सारा मैंने आटा वाटा गूंद दिया था। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वाश्ता हमारा होकर डन हो चुका था। फिर यहाँ पे किचन की मैंने सफाई वफाई करके बर्तन वर्तन धो के, फिर यहाँ पे दोपहर का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्याज को थोड़ी देर ब्राउन कर दिया था। ब्राउन करने के बाद यहाँ पर मसाले, मिर्च मसाले सारे डाल दिए थे। फिर यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्ची भी मैंने ऐड कर दी थी। ये डालने के बाद फिर यहाँ पर ब्राउन प्याज कर रही थी। ये वाला सीन थोड़ा सा गलत हो चुका है, तो खैर है ऐसा होता रहता है। तो फिर यहाँ पे जब तक थोड़े से ब्राउन प्याज नहीं हो जाते, जब तक मैं कोई भी चीज़ ऐड नहीं करूँगी। तो मेरा आज बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, मैंने कहा चलो यार बिरयानी तो रोज़ खाते हैं, आज पुलाव बनाते हैं चने का और आलू का, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पर सारी इंग्रेडिएंट रख दी थी फ्रिज में से निकाल कर, और वहाँ पे हमारा दूध वाला भाई भी आ चुका था, दूध दे गया था। तो यहाँ पर मैंने दूध भी बॉईल कर रख लिया था, क्योंकि हम अपने घर में दही बनाते हैं, क्योंकि यार बाहर से फिर कौन जाए, दोपहर का टाइम होता है, इतनी ज़्यादा लिटरली गर्मी है आजकल। तो फिर यहाँ पर जब तक ब्राउन प्याज हो जाएंगे, तो फिर जो भी इंग्रेडिएंट मैंने कट कर रखी है सारी इसके अंदर डाल दूँगी। रोज़ कुछ ना कुछ पकाना पड़ता है, तो कुछ तो आप बनाओगे ना, तो क्या बनाए रोज़ समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता भी बनता है, दोपहर का भी बनता है, रात का भी बनता है। तो फिर दो दफ़ा आप कुछ बनाते हो, तो फिर आपको कभी कभी समझ में कुछ नहीं भी आता। फिर यहाँ पे फाइनली जल्दी जल्दी करके मैंने मसाला पूरा बना दिया था। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चने और आलू। ये डालने के बाद थोड़ा इसको भून लूँगी 10 से 5 मिनट तक। भूनने के बाद पानी डाल के सिंपल सा मैं इसको छोड़ दूँगी, क्योंकि जब तक आलू नहीं गलेंगे, चने तो वैसे भी गले हुए, आलू गल जाएंगे। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बिरयानी पैकेट भी डाल दिया था, मैंने कहा थोड़ा अच्छा पुलाव बन जाएगा चटपटा सा, क्योंकि चटपटा खाना ही अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पर मैंने इसमें चने और आलू डाल दिए। अब मैं इसको छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट तक, जब आलू गल जाएंगे। पानी डालने के बाद फिर मैं डाल दूँगी चावल। चावल डालने के बाद फिर जो थोड़े छोटे मोटे बर्तन हो जाते हैं, तो मैं हाथ के हाथ बर्तन वॉश करती जाती हूँ। किचन को मैं फैलाती नहीं हूँ, और गंदगी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साफ़ सुथरा किचन हर किसी को पसंद होता है, तो मुझे तो लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर यहाँ पे पानी बॉयल करने के लिए रख लिया था। पानी बॉयल हो जाएगा तो मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। चावल ऐड करने के बाद मुझे बनाना था रायता, तो मैंने कहा चलो रायता भी बना लेते, क्योंकि अगर आप चावल पुलाव खाते हो तो, क्योंकि चावल को तो मैंने 20 मिनट पहले ही भिगो दिए थे, क्योंकि सेले चावल नहीं है तो इसको इतना देर नहीं भिगोते। तो यहाँ पर चावल में बॉयल आ चुका था, तो फिर वहाँ पर मुझे रायता भी बनाना था, क्योंकि रायते के बिना चावल अधूरे होते हैं और अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर हमारा खाना बनकर रेडी था। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, छोटा सा मेरा व्लॉग था। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। और यहाँ पर हम खाना खा रहे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे चावल बने।